ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं, ये दो व्यक्ति तो कम से कम साबित हो गए कि ऐसे व्यक्ति भी बनाए दिए जाए। वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है उसमें बैठने लायक भी नहीं है जो बातें वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो कि ईवीएम की सुरक्षा किस चीज से है, वीवीपैट में हम 2% सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग से इलेक्शन का कोई कनेक्शन ना है ना हो सकता है। जो भी व्यक्ति सैंपलिंग को इलेक्शन का पर्यायवाची या इक्वलेंट मानता है वो या तो बहुत बड़ा बेवकूफ गधा है, गधे की सॉरी बेइज्जती होगी बेवकूफ, या बहुत बड़ा बेईमान, क्योंकि किसी भी इलेक्शन एक वोट से हारा और जीता जा सकता है और किसी भी सैंपलिंग के मेथड में एक आम आदमी भी जानता है मार्जिन ऑफ एरर होता है। और आपने तो देख में से चावल पतीले में से चावल का एग्जांपल दिया, एक चावल देख के पता लग जाता है पूरी देख पकी हुई है नहीं पकी हुई। ये हमारे कुरैशी साहब अपने आपको बड़ा लंबा बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं, वो विद्वान है या बेईमान ये जनता कह रही है। चाइना को नहीं देख रहे, ट्रेड डेफिसिट हमारा क्या हो रहा है, देश को अडानी अंबानी उनके सपोर्ट से उनके खाता है, लेकिन उनके जो एजेंसीज हैं इसी काम पे लगी है ना कि मेरा पोज इस एंगल से आना चाहिए तो वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सारी एजेंसीज तो यही काम पे लगी रहती हैं। कौन सा झूठ में किस तरीके से बोलूं या सॉरी कौन सा सच में किस तरीके से बोलूं कि उसका असर ज़्यादा हो जनता पे, तो कैसे मैं जनता को ये विश्वास दिलाऊं कि मेरी छाती जो है 56 इंच की है, इसके बारे में जो वो लोग छोड़ रखे हैं पन्ना प्रमुख और दूसरे, उन्होंने बताया होगा ना कि ईवीएम के लिए 95% से ज़्यादा जनता कन्फ्यूजन में नहीं है, नाराज़ है, ये कह रही है कि ये बेईमानी धोखा नहीं होने देंगे। तभी तो इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन ने डिसीजन लिया है कि गली गली जाके डिमॉन्स्ट्रेट करके झूठी मशीनों को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो अपने पहलवान मैदान में उतार रहे हैं दो दो रिटायर्ड। तो ये वो भी जानते हैं चुनाव नहीं हो सकता, सिर्फ वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं वीवीपैट। नमस्कार आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो देश में एक आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन ईवीएम को लेकर चल रहा है कि जब तक देश में ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक सत्ता परिवर्तन मुमकिन नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया नहीं जा सकता है। वकीलों का एक समूह है सेव डेमोक्रेसी के अंदर, वो लगातार आंदोलन कर रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में भी कई उसने आंदोलन किए हैं, कई बार उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं और लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं कि चुनाव आयोग उनको वक्त दे और वो ये बता सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम से न सिर्फ छेड़छाड़ हो सकती है बल्कि उसकी उसको हैक किया जा सकता है और ये पूरी तरीके से मुमकिन है। 50 के करीब ईवीएम से ईवीएम की गुजारिश उन्होंने चुनाव आयोग से की, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरह इन जो वकीलों के जो समूह है इनको कोई भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन लग रहा है कि इन वकीलों के इन समूह ने ये डिसाइड कर लिया है कि जब तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ जाता है इनकी लड़ाई जारी रहेगी इसी तरह से। सड़कों पर लगातार ये लोग उतरे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, लोगों को ये बताया जा रहा है कि देखिए कैसे आपके वोट के साथ ठगी की जा रही है, आप वोट जिस पार्टी को करते हैं जरूरी नहीं है उस पार्टी को पहुंचे, ये दरअसल बीजेपी को जाता है, ये बताने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। तो आवाज विपक्ष की तरफ से भी उठाई जा रही है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, लेकिन वो चिट्ठियों तक ही सीमित है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि जब आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें ईवीएम को भी शामिल करिए। तो क्या इस आंदोलन के साथ विपक्षी पार्टियां जुड़ेंगी, क्या इन लोगों ने उनसे कोई बात की है और अभी यह आंदोलन किस मोड़ पर आ गया है और आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सेव डेमोक्रेसी के नेशनल कन्वीनर और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा साहब जुड़ गए। स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बेखौफ होकर अपनी बात को रखते हैं। आपने लगातार देखा कि उनको कई बार अरेस्ट उनको डिटेन किया गया, लेकिन अपनी बात को कहना उन्होंने बंद नहीं किया है, उनको पता है वो किस सत्ता से लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी जनता की आवाज को वो उठा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल महमूद साहब आपका, और सवाल मेरा आपसे यही है
पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने पूछा था कि आपका ये आंदोलन क्यों आप कर रहे हैं और इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि आंदोलन आपने शुरू कर दिया है, कई मैंने आपके वीडियोस देखे, मैंने आपको देखा कि यह कैसे आप पुलिस वालों से बात करें, दिल्ली पुलिस से, आप अमित शाह से लेकर सबको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी यह आंदोलन आपका किस मोड़ पर आ गया है, आगे की रूपरेखा क्या है आपकी, क्या है रोड मैप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल हमारे ऊपर डॉक्टर रितु का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ बैठ के फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। अरेस्ट भी किया गया और लाठी चार्ज भी किया गया, कई साथियों के गंभीर चोटें भी आई। तो अमित शाह साहब और मोदी जी ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि ताकत के बल पे हमें दबा सकते हैं या कुचल सकते हैं, ये तो बिल्कुल भूल जाएं। लेकिन जहां तक ईवीएम के आंदोलन का सवाल है, हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को जो एक मार्च किया और उसके बाद एक पूरी दुनिया के सामने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उसके बाद से एक इतना बड़ा चेंज आ गया है। और हमारी, इसको आप समझिए कि हमारी तो नहीं, देश की जनता की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये काम हमने शुरू नहीं किया, ये बहुत सारे लोग पहले से कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात, अभी पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से हमें, मुझे भी और हमारे साथियों को भी, आई एम सॉरी, मुझे कल एक्सपोजर हो गया था बहुत ज्यादा, तो बुखार भी, अभी मुझे देर रात तक पुलिस स्टेशन में ही थे, तो हमारे साथियों को भी फोन आ रहे थे पब्लिक की तरफ से कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, हम आप लोगों को बहादुर और ईमानदार मानते हैं, तो आप ये लड़ाई आगे बढ़ के लड़ो। तो हमने जनता की आवाज पे, पब्लिक के कहने पे ये सब किया है, और आज भी आगे भी जो कर रहे हैं वो पब्लिक के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार ये पब्लिक से फोन भी आ रहे हैं। हमने एक फोन कॉल जो दिया था पब्लिक डोमेन में, वो क्रैश हो गया, उसमें लाखों लाखों लोग फोन कर रहे हैं, वो क्रैश ही हो गया फोन। हम बेटर उसका तरीका निकाल रहे हैं, अभी तो आज कल में वो भी डिक्लेयर कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी राय भी रख सके और हमारे साथ मिलकर काम कर सके। तो एक तो हमारी सबसे बड़ी सफलता ये हुई कि जो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहा था, जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को निग्लेक्ट कर रहे थे, जो जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी उसको इग्नोर करके एकदम डस्टबिन में फेंकने जैसा काम किया, उसका जवाब भी ऐसा ही दिया कि हम आपकी बात को कुछ नहीं ध्यान देते, आप हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पढ़ लो जाके। जो इतना बड़ा बीजेपी के खिलाफ अलायंस है INDIA, उसके भी जो इतनी पार्टीज ने मिलकर जो एक रेजोल्यूशन पास किया था उसको भी नजरअंदाज कर, हमारी जीत और जनता की जीत इस बात में है कि दो चीजें हुई हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन बैकफुट पे, मोदी जी बैकफुट पे, अमित शाह जी बैकफुट पे, गली गली, गांव गांव और बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज में लोगों के सामने दिखाया जा रहा है कि हमारी जो वोटिंग मशीन है बेईमान नहीं है, अच्छी मशीन है, उससे धोखा नहीं हो सकता। एक तो यह हमारी बहुत बड़ी जीत है कि डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करने की सबसे पहली खबर की कहां पर हुई, NDTV में, अडानी जी के चैनल पे। तो आप समझ सकते हैं नेक्सस में किस किस को खुल के सामने आना पड़ रहा है। अडानी जी जो अब तक बैकग्राउंड में थे वो भी सामने आ गए, तो ये हमारी बड़ी जीत है कि अब वो वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन पर्दे के पीछे रखता था अब दुनिया के सामने रख रहा है। अगला स्टेप ये है कि हमें हाथ में दो, जैसे ही वो हाथ में देंगे फिर ये ईवीएम का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि दो बड़े योद्धा हमारे सामने उतारे गए, दो रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक कुरैशी साहब और एक रावत साहब, वो दोनों ईवीएम के ऊपर नहीं वीवीपैट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वीवीपैट को पैलेटेबल यानी कि एक्सेप्टेबल बनाने के लिए बहुत लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, और उनके आर्ग्यूमेंट से मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे वो बिल्कुल ही जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि ये एक सिखाए हुए पहलवान की तरह कुश्ती लड़ने मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव आयोग को और मोदी जी को दो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर ईवीएम के वीवीपैट मेथड को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतारे गए हैं, जो सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये भी तय है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं, और ये दो व्यक्ति तो कम से कम साबित हो गए कि ऐसे व्यक्ति भी बनाए दिए जाते हैं, वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है उसमें बैठने लायक भी नहीं है। जो बातें वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि ईवीएम की सुरक्षा किस चीज से है, वीवीपैट में हम 2% सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग से इलेक्शन का कोई कनेक्शन ना है ना हो सकता है। जो भी व्यक्ति सैंपलिंग को इलेक्शन का पर्यायवाची या इक्विवेलेंट मानता है वो या तो बहुत बड़ा बेवकूफ गधा है, गधे की शौर्य बेइज्जती होगी, बेवकूफ, या बहुत बड़ा बेईमान, क्योंकि किसी भी इलेक्शन में एक वोट से हारा और जीता जा सकता है। और किसी भी सैंपलिंग के मेथड में, ये आम आदमी भी जानता है, मार्जिन ऑफ एरर होता है। और कुरैशी साहब ने तो देग में से चावल, पतीली में से चावल का एग्जाम्पल दिया कि एक चावल देख के पता लग जाता है पूरी देग पकी हुई है या नहीं पकी हुई। ये हमारे कुरैशी साहब है, अपने आप को बड़ा लंबा बहुत बड़ा विद्वान बताते हैं। अब वो विद्वान है या बेईमान है ये जनता तय करे। तो विद्वान है तो देग में से चावल को देश के इलेक्शन से कंपेयर नहीं करना चाहिए उन्हें, सैंपलिंग के मेथड को इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन के प्रोसेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरे जो रावत साहब हैं वो ये बात बताते हैं कि 2% मार्जिन ऑफ एरर है। अब 2% का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर 10 लाख वोट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़े और उसमें 2% का मार्जिन ऑफ एरर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो सिपहसालार हैं जो मैदान में उन्हें डिफेंड करने उतरे हैं वो ये कह रहे हैं कि 20,000 वोटों का अगर घपला होता है, हमने इधर से उधर कर दिए तो उसका हमें पता नहीं, वो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा इलेक्शन होता है? इलेक्शन एक वोट से हारा जाता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है दोनों अपने आप को कहते हैं, अगर ये मेरी बात भी छोड़ दीजिए, ये इनके कानून में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का मैं आपको धारा पढ़ के सुनाता हूं, धारा 61 में लिखा हुआ, धारा 65 में सेक्शन 65 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके तहत इलेक्शन होते हैं, जिस कानून के तहत, वो कहता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स। ये तो है ही कि एक वोट से भी आदमी चुनाव जीत सकता है या हार सकता है, इक्वालिटी ऑफ वोट भी हो सकता है, उसके लिए भी प्रोविजन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। वो कहता है इक्वालिटी ऑफ वोट्स, इफ आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट वोट्स इज कंप्लीटेड एंड इक्वालिटी ऑफ वोट इज फाउंड टू एग्जिस्ट बिटवीन एनी कैंडिडेट्स एंड द एडिशन ऑफ वन वोट विल एंटाइटल एनी ऑफ दोज कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल फोर्थविद डिसाइड बिटवीन दोज टू कैंडिडेट्स बाय लॉट एंड इट एज इफ द कैंडिडेट ऑन हुम द लॉट फॉल्स हैज रिसीव्ड एन एडिशनल वोट, दैट मींस वन वोट, लाखों वोट जिसमें पड़े हैं उसमें एक वोट से आदमी जीत सकता है। और हमारे रावत साहब क्या कह रहे हैं, अपने आप ही 10 लाख वोट पड़े हैं तो 20,000 वोट इधर से उधर कोई बात नहीं, यह बेईमान है या बेवकूफ है, यह फैसला मैं आपकी जनता के ऊपर छोड़ता हूं, आपके व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन हम कहना यह चाहते हैं कि ये अपने दोनों, ये जो सिपहसालार उतारे हैं मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ने, ये और इनके जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बुशरा जी आपको ही मैं कह रहा हूं, शायद आप तो बड़ी पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, ये आपकी थोड़ी डिसएडवांटेज है, लेकिन आप कोशिश करके देख लें, ये जितने एक्सपर्ट्स इनके पास हैं आपके साथ आपके चैनल पे आ जाएं, सारे लीगल एक्सपर्ट्स, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारी तरफ से मैं आ जाऊंगा या हम किसी और को भेज देंगे, एक व्यक्ति को अपने, फिर दुनिया तय कर ले कि वोट जो वोटिंग होनी है, इलेक्शन होने हैं ईवीएम से होने हैं या पेपर बैलेट से ही होने हैं। अगर जनता इन लोगों को घरों में ढूंढ ढूंढ कर बाहर जाके प्रोटेस्ट ना करें ना, आप बेईमान हो, तो हम लोग आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, सिर्फ ये आपके सामने आने को तैयार है, मशीनें ना दें, सिर्फ आपके सामने आने को हो जाए से मान लेंगे। बिल्कुल, तो आप बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आप दे रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट आप अपने उस चैलेंज में नजर आ रहे हैं। एस वाई कुरैशी के वो इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं, उनका कहना है कि अगर मैं होता
अगर आज मैं इलेक्शन कमीशनर होता तो मैं विपक्षी पार्टियों को और जो जो सिविल सोसाइटी है या जो वकील साहबान है जो ये कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, मैं उनको पहले दिन ही बुला लेता और पहले दिन बुलाकर उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देता। यानी कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी उठा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो क्यों नहीं बुला रहे हैं विपक्ष को, उनको वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन मेरा सवाल ये है महमूद साहब कि अभी आप लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आपके जहन में किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप फेस हैं कि आपको जेल के अंदर डाला जा सकता है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे पहले भी हमने देखा है आप पर किसी भी तरह के केसेस जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस पूरे आंदोलन का फिर क्या होगा और आप इसे कहाँ आगे बढ़ता देखते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा आपने अपनी कामयाबी की बात की, लेकिन जब तक ये ईवीएम से ये चुनाव होता रहेगा, बैलेट पेपर से ना हो, या इस ईवीएम की प्रक्रिया में जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव ना हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर से हम उसी तरह के रिजल्ट देखेंगे जिस तरह के डर आप दिखा रहे हैं। पहले तो आपकी कुरैशी साहब की बात का जवाब दे दूं मैं। ना तो कुरैशी साहब अब इलेक्शन कमिश्नर हैं और ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हूं। मैंने भी उनका वो इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ये कहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनके शक और शुबे दूर कर देता और वो लोग पूरी तरीके से खुश होके मेरी बात से एग्री करके जाते। तो वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है और मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं हूं। दोनों आपके चैनल पे आ जाते हैं ना, बुला लीजिए अगर वो सच्चे हैं। अगर वो बेईमान नहीं है, भूल जाइए, बेवकूफ, बेवकूफ नहीं है वो, इतने बड़े बेवकूफ हो ही नहीं सकते वो। अगर वो सच्चे हैं, बेईमान नहीं है, तो आ जाए आपके चैनल पे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा। टाइम डे, क्योंकि वो बड़े आदमी है, उनके हिसाब से तय कर लेंगे, कर लीजिए, उनसे ही मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये बेईमानी ना करें, जनता को धोखा ना दे। जहां तक उसकी बात है, मैं कल ही रात को, मैं बता रहा हूं, कल भी मुझे बुखार था और फिर भी मैं रितु के प्रोटेस्ट में गया, काफी सारी लाठियां भी खाई और बहुत देर तक हम फिर अरेस्ट होके पुलिस स्टेशन में भी रहे। तो अभी भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हालांकि थोड़ी तकलीफ हो रही है, ज्यादा ठीक से नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ, लेकिन दिल में मैं कितना डरा हुआ हूँ वो आप देख सकते हैं, आपकी जनता भी डर देख सकती है। लेकिन हम ईवीएम से चुनाव, इस देश की जनता का आदेश है, नहीं होने देगी इस देश की जनता ईवीएम से चुनाव। ये मोदी जी अपने मन में ठान ले। ये वीवीपैट की जो जो अब ये क्या मुझे क्या स्ट्रेटेजी लग रही है आरएसएस और बीजेपी की, कि ये वीवीपैट को पुश करेंगे और बहुत सारे लोगों को तैयार करेंगे ये कह के कि चलो उतना तो हम आगे बढ़ गए, तो लोग प्रेशर में आके कि चलो इतना ही मिल रहा है तो वो ले लें। ऐसा होने नहीं जा रहा है। हम आपकी सारी स्ट्रेटेजी समझते हैं। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, जिसको फिर वही चैलेंज आपके आपके माध्यम से दोबारा, सारे लीगल एक्सपर्ट्स इलेक्शन कमीशन के, मोदी जी के, आरएसएस के, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ जाएं, ये दोनों भी आ जाएं जो रिटायर्ड चीफ कमिश्नर्स हैं। और अगर हमें एक भी ऐसी वजह या एक भी ऐसी परेशानी बता दें जिससे अभी समय पर आने वाले लोकसभा के चुनाव पेपर बैलेट के माध्यम से ज्यादा सस्ते, ज्यादा कारगर, ज्यादा ईमानदारी वाले और ज्यादा एफिशिएंट हम उनको साबित करके ना दिखा दें, और उसमें कानूनी प्रक्रिया भी ऐसी जिसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी उसका भी रास्ता ना बता दें, तो हम जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। तो कोई परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा कानून में बदलाव नहीं करना पड़ा, बहुत छोटे बदलाव हैं, और पेपर बैलेट से चुनाव कराना बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, उसका रास्ता हम आपके सामने बता देंगे। अब जो फिर जी भी ईवीएम के लिए और वीवीपैट के लिए जिद करता है, उसके मन में कोई चोरी है, वो डकैती करना चाहता है, वो ईवीएम के माध्यम से पार्लियामेंट चुनवाना चाहता है, ईवीएम का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जनता का प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता। लेकिन महमूद साहब, अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी बात को नहीं माना जाता है, अगर आपकी बात को इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता है, कोर्ट से भी आपको उस तरह की अगर कोई नतीजे नहीं आते हैं और इलेक्शन की तो बस चंद महीने बचे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? और फिर उसके बाद अगर ईवीएम से ही चुनाव होते हैं तो फिर आपके क्या डर हैं? जनता क्या करेगी ये सोचिए आप। जनता कह रही है हम चुनाव नहीं होने देंगे ईवीएम से,
ये तो आप जनता कि जो फीलिंग है ना उसी को उस नफ्स को भांप कर मोदी जी के जो सिफोलॉजिस्ट हैं जो उनकी एजेंसीज हैं कोई और काम थोड़ी करती हैं, ये थोड़ी देखती हैं कि चाइना ने 4,000 किलोमीटर अभी मैं हम लोग 2,000 समझ रहे थे, कल सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा वो बता रहे हैं 4,000 किलोमीटर जगह चाइना हमारी छीन चुका है और वो कह रहे थे मोदी जी चाइना से डरते हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कराए ना अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो, क्यों नहीं करा रहे हैं? उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, हमें 2000 पता थी उन्होंने 4000 बता दिए कल, मैंने खुद देखा। तो ये सब काम के लिए उन्होंने सारी एजेंसी छोड़ रखी हैं, चाइना को नहीं देख रहे, ट्रेड डेफिसिट हमारा क्या हो रहा है, देश को अडानी अंबानी उनके सपोर्ट से लूट के खा गए वो नहीं देखना, लेकिन उनके जो एजेंसीज हैं इसी काम पे लगी है ना कि मेरा पोज किस एंगल से आना चाहिए तो वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सारी एजेंसीज तो यही काम पे लगी रहती हैं, कौन सा झूठ में किस तरीके से बोलूं या सॉरी कौन सा सच में किस तरीके से बोलूं कि उसका असर ज्यादा हो जनता पे, तो कैसे मैं जनता को ये विश्वास दिलाऊं कि मेरी छाती जो है 56 इंच की है, इसके बारे में जो वो लोग छोड़ रखे हैं पन्ना प्रमुख और दूसरे, उन्होंने बताया होगा ना कि ईवीएम के लिए 95% से ज्यादा जनता कंफ्यूजन में नहीं है, नाराज है, ये कह रही है कि ये बेईमानी धोखा हम नहीं होने देंगे, तभी तो इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन ने डिसीजन लिया है कि गली गली जाके डिमॉन्स्ट्रेट करके झूठी मशीनों को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो अपने पहलवान मैदान में उतार रहे हैं दो दो रिटायर्ड, तो ये वो भी जानते हैं चुनाव नहीं हो सकता, सिर्फ वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं वीवीपैट का, वो हम नहीं निकालने देंगे, जनता नहीं निकालने देगी, सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे चुनाव और किसी तरीके से नहीं। जी मैं फिर से उसी सवाल को फिर दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर नहीं होता है, अगर आपकी बात को नहीं माना जाता है और ईवीएम से ही चुनाव होते हैं तो फिर आपके डर क्या है, आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि आप सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बार बार पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की संविधान की आप बात करते हैं, आप कहते हैं उसी के दायरे में रहकर हम ये तमाम अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि जनता की है, उसके अधिकारों को बचाने की है, तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर आप क्या करेंगे, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप देन? जनता सड़कों पे आ रही है, आने वाली है, अभी हम 26 जनवरी तक रिपब्लिक डे, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान और डेमोक्रेसी की शक्ल बनी थी जो हमें सबको ताकत देती है, हमारे देश को मजबूत रखती है और करती है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके मुट्ठी भर साथियों की जो गिफ्ट है ना हमारे देश को, वो 26 जनवरी का दिन है, उसी दिन से और उसके अगले दिन से जनता सड़कों पे आएगी, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, और अगर आप कह रहे हैं हम लोग और जनता फेल हो गए तो ये बात ध्यान से सुन लें सर, जैसे ये अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं ये गैर कानूनी है, उससे पहले भी ईवीएम से चुनाव जो भी हुए हैं वो सब गैर कानूनी है, इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो है, जनता उनके रिजल्ट्स को नहीं मानेगी, कोई प्रधानमंत्री ईवीएम के माध्यम से नहीं बनेगा, उसको प्रधानमंत्री नहीं माना जाएगा, वो एमपी नहीं माने जाएंगे, चुनाव दोबारा होंगे पेपर बैलेट से ही होंगे, ये बात अपने दिल में साफ कर लें सब लोग, कोई चुनाव ईवीएम से अब के नहीं होगा, जो चुनाव होगा वो अपराध है, गैर कानूनी है, और आपराधिक कार्यों का जो बेनिफिट होता है ना वो किसी लीगल चीज के लिए काम नहीं आता, तो ये बात मोदी जी अपने दिमाग में क्लियर कर ले, ये ना सोचे कि हम लोग डर दहशत बैठाकर किसी तरीके से डंडे के जोर पे करा लेंगे तो हम जीत गए बस फिर 5 साल के लिए, ऐसा नहीं होना, ध्यान रख ले इस बात को। तो लोग अभी अभी जो आप बात कह रहे हो जिस तरह से कह रहे हैं, खासतौर पर एक ऐसी सत्ता के सामने जो कि कुछ भी करने के लिए जानी जाती है, कुछ भी करके इलेक्शन जीतने के लिए भी जानी जाती है, आप मोदी आरएसएस और अमित शाह के सामने एक तरह से खड़े होने की का एक न दावा न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उसकी बात आप कह रहे हैं और एक आंदोलन आप कर रहे हैं, कुछ लोग आपको इस बात को आपकी हास्यास्पद भी बता सकते हैं और कुछ लोग इसको आपकी बहुत हिम्मत अफजाई भी आपकी कर सकते हैं कि आप इतना हिम्मत वाला जो है ये काम कर रहे हैं कि आपने इतना डेयरिंग स्टेप जो है वो आपने उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की बात कर रही है, अभी पूरा देश राममय हुआ हुआ है और जो मोदी मीडिया है वो उनके साथ बिल्कुल नजर आ रहा है, आप ये देखें स्कूलों से लेकर दफ्तरों की
आधे दिन की छुट्टी का ऐलान जो है किया गया है 22 तारीख को, और उनको लग रहा है कि इस राम भरोसे उनकी नैया जो है पार हो जाएगी और तमाम गुनाह उनके माफ हो जाएंगे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है इसको कोई पूछेगा नहीं, और कोई ये पूछेगा भी नहीं कि 400 पार आपने आए तो आए कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में 300 पार हुए थे और पुलवामा के शहीदों का एक तरह से उनका फायदा उनको मिला था, बाकायदा तौर पर पोस्टर्स लगा के जो सब कुछ किया गया था बीजेपी की तरफ से। तो आपको लग रहा है कि अगर जो वो कह रहे हैं कि इस बार 50% पार हमारे वोट आएंगे, 400 पार की वो बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या? उसका तो मैंने अभी जवाब दे दिया ना, गैर कानूनी होंगे वो, उसका कोई असर, लेकिन कानूनी उसकी असर नहीं कानूनी होगा। लड़ाई फिर महमूद साहब कौन लड़ेगा? एक बार जब इलेक्शन जीत ले गए, माना कि इन 5 राज्यों में से 3 राज्य आप उसको भी गैर कानूनी कह रहे हैं, लेकिन हो गए वहां उनके चीफ मिनिस्टर्स बैठे, कांग्रेस और सब हाथ मलते रह गए, तो हुआ उसका हुआ क्या आखिर? आप जैसे लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं ये आप काबिले तारीफ है ये बात, लेकिन आगे इसको कैसे लिया जाए और इसके इसका जो प्रैक्टिकल जो एक सोल्यूशन है वो सामने निकल कर आए, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। काबिले तारीफ या हास्यास्पद दोनों हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग कर ही नहीं रहे। मैंने आपको अभी शुरू शुरू में बताया था, जनता हमसे करवा रही है, जितना रिस्पांस, जितने फोन, जनता हमसे ये कह रही है अगर आप लोगों ने कदम पीछे हटाया तो हम आपको भी बेईमान मानेंगे, आपको भी डरपोक मांगेंगे और आपको भी देशद्रोही मानेंगे। तो ऐसा काम आप मत करना, या तो आप आगे ही मत बढ़ो, ये जनता हमसे कह रही है। तो ये लड़ाई जनता और मोदी जी के बीच की है, तो मोदी जी इस गलत फहमी में मत रहे। और हम कह रहे हैं ना, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, जनता सीधे सीधे कह रही है, आप पेपर बैलेट से चुनाव कराइए, और 400 क्यों पार करने हैं आपको, 500 पार कीजिए, 542 पार कीजिए, 543 बना लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं आपको, पेपर बैलेट से कीजिए ना, जनता के वोट से कीजिए, ईवीएम से, अडानी जी और जो दूसरी आपकी विदेशी ताकतें मदद करती हैं उनके वोटों से नहीं, उनके फ्रॉड से नहीं बनिए आप। हम तो खुद ही कह रहे हैं 500 पार कीजिए ना पेपर बैलेट से। अब 500 पार कौन नहीं करना चाहता, या जिसकी 50 या 40 भी पार नहीं होने वाली पेपर बैलेट से, वो इलेक्शन से इलेक्शन कराना चाहता है। अगर किसी को कोई डाउट है कि ईवीएम से अब चुनाव होने में टाइम नहीं बचा है, वो सॉरी पेपर बैलेट से टाइम नहीं बचा है, तो मैंने आपको अभी अभी तो बोला है, आ जाएं, कोई कानून में प्रावधान में चेंज करने का भी टाइम है, जो भी छोटा मोटा चेंज करना होगा, हालांकि मेरी समझ से कुछ नहीं चेंज करना होगा, जो भी टाइम की बात है वो भी मैं बता दूंगा कि कम टाइम लगेगा, तीसरा पैसे भी कम लगेंगे ये भी मैं बता दूंगा, देश के सामने बता दूंगा, आपके साथ लाइव करके बता देंगे, वो लोग आ जाएं। तो जब ये बात है तो फिर ये कहना कि जैसे तीन राज्यों में गैर कानूनी सरकार चल रही है, लेकिन जनता आप सड़कों पे आई है ना, जनता से बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, और जनता जितने ताकत जितने संख्या में सड़कों पे आने वाली है, मोदी जी तैयार हो जाए, आने करते हैं ना पुलवामा की वजह से इलेक्शन जीत गए, ये खुद ही झूठी स्टोरीज कराते हैं, राम मंदिर की वजह से इलेक्शन जीत जाएंगे, ये सब एक वो रीजनिंग दे रहे हैं, इससे नहीं जीतेंगे चुनाव। जनता को कोई निर्भरता नहीं है सरकार के ऊपर, किसी भी अपनी भक्ति करने की बिल्कुल नहीं है, जनता के पैसे का इस्तेमाल करके ही जो भी मंदिर बन रहा है या जो भी बन रहा है वो जनता के पैसे से बन रहा है। मोदी जी अपनी जी तनख्वाह में बनवा रहे हैं, हालांकि वो तो 16,000 करोड़ रुपए का जहाज ले लेते हैं, एक वो जहाज ही छोटा ले लेते हैं तो शायद वही पैसे से बन जाता, वो नहीं करेंगे वो लेकिन इशू ही नहीं है, ये तो हो रहा है, लेकिन हमारी नौकरी का क्या, महंगाई का क्या, हमारे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं उनका क्या, चाइना हमारी 4,000 किलोमीटर जगह खा गया सुब्रमण्य स्वामी जी के कहने से, उसका क्या, उसका तो बताइए, वो भी तो कीजिए, ये तो है, वो क्या, ये जी जो अडानी अंबानी को आपने 20 लाख करोड़ से ज्यादा, और इन जैसे दूसरे बेईमान इंडस्ट्रीज को 20 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों से चुराने दिए और लेके भागने दिया, उसका क्या, वो तो दिलवा दीजिए हमारे। आपने जो 15 लाख का वादा किया था, कोई ईमानदार सरकार आती तो 15 लाख नहीं, 1-1 करोड़ सबको देती, इतना तो आपने इंडस्ट्रीज को किया, तो अपने पिछले 10 साल में चोरी करके भागने का मौका दिया है, 1-1 करोड़ कहाँ है वो पैसा, वो भी तो दीजिए, या नहीं, बिल्कुल दूसरे जो महमूद काम साहब कर आपके सकते। सवाल,
जी आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सवाल यही है कि उन सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार है। जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते हो, किसी बात का जवाब ना देते हो, सिर्फ वो इवेंट करते हो और अपने ही मन की बात करते हो, तो ऐसे में हम सब सवाल पूछ सकते हैं। जवाब की उम्मीद जो है वो शायद आपको भी नहीं होगी बहुत ज्यादा, और हम पत्रकारों ने तो शायद इन 10 सालों में छोड़ दी है। लेकिन आखिरी मेरा सवाल आपसे कि कोई भी आंदोलन तब बड़ा होता है जब आप वो पूरा एक जन आंदोलन बनता है, और हमने देखा है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सत्ता जो है हिलती है, जब उसको कुर्सी जाती हुई नजर आती है तो वो बदलाव करती है। ये हमने किसान आंदोलन में देखा, ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन में देखा, हमने CNRC के दौरान भी देखा, और भी कई मौकों पर हमने देखा है। क्या आप मैंने आपसे पिछली बार ही पूछा था, एक बार फिर से मैं आपसे पूछूंगी कि क्या विपक्ष से किसी तरह की कोई बात आपकी चल रही है कि वो आपके साथ आए, क्योंकि अगर उनके कार्यकर्ता, उनका जो बल है, आपके साथ जुड़ेगा तो ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई भी बन जाएगी। तो क्या उनसे कोई बातचीत है, और इस आंदोलन को आगे आप और कितना बड़ा होता देख रहे हैं? देखिए, सभी पॉलिटिकल अभी रिसेंटली मायावती साहिबा ने ईवीएम की मुखालफत की है, अखिलेश साहब ने जी की है, कांग्रेस कर ही चुकी है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो ईवीएम की मुखालफत नहीं कर रही? लेकिन जनता जो है ना, पॉलिटिकल पार्टी से भी बड़ी है ये। और आप हमको बार बार बोल रही हैं हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और हमारी हैसियत और औकात भी नहीं है। मोदी जी हमें 2 मिनट में मरवा देंगे, मतलब हम हंसते हंसते मर जाएंगे, यही है ना हमारी हैसियत और औकात, उससे ज्यादा नहीं है। तो लेकिन ये जनता कर रही है, और जनता आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज पीछे आ रही हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बहुत जल्दी आप मेरे ख्याल से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के दबाव में आके, जनता के आग्रह के ऊपर आके, सबको इसमें जुड़ा हुआ देखेंगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मोदी जी भी इस बात को समझ लें, ये पुलवामा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आप पुलवामा की वजह से नहीं जीते, आप किसी वजह से नहीं जीते, आप सिर्फ ईवीएम की वजह से जीते हो। अगर आप पुलवामा या आप जो ये भ्रांति फैलाते हो ना, तो अगर आप फिर भी इलेक्शन जीत जाओगे इसी की वजह से, काम करने की तो आप बात ही नहीं कर रहे। मैं काम करूंगा ही नहीं कुछ, मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को ही के लिए ही काम करूंगा, देश का नुकसान करने के लिए ही काम करूंगा। लेकिन मैं ये जो आपके जो पॉपुलिस्ट मेथड्स होते हैं, आप ये कह रहे हो उससे वोट मिल रहे हैं, जनता बेवकूफ नहीं है, आपको नहीं दे रही वोट। अगर आप इन मेथड से इलेक्शन जीतते हो तो पेपर बैलेट से भी जीत जाओगे, फिर ईवीएम की जी जिद क्यों? ईवीएम छोड़ दीजिए, आप जीत जाइए, हम सब आपको सैल्यूट करेंगे, आपकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में आएंगे, मुझे अगर आप मौका देंगे मैं भी आके आपको सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आप हमारे देश के सही इलेक्शन से जीते हुए प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो ये मौका है, और हम सब लोग आके आपको सैल्यूट करेंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया है जो देश की जनता ने आपको वोट दिया, लेकिन पेपर बैलेट से। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि आंदोलन जो आपका है और क्या नया मोड़ लेता है, और सबको इंतजार है कि जो आपने लड़ाई शुरू की है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी नहीं बल्कि जनता की है, जनता ये चाहती है कि ऐसा हो, और जनता लगातार आपके साथ, अवाम देश की जुड़ रही है। आपने जो एक कॉल सिस्टम वो किया था, और लगातार वो हैंग हो गया, इतनी कॉल्स आपके पास आई, आप उस सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आपके साथ आएंगी ऐसी भी आपको बहुत उम्मीद है। तो देखना होगा आगे आने वाले वक्त में ये आंदोलन क्या मोड़ लेता है, क्योंकि लगातार हमने देखा अलग अलग हमने जगहों पर लोग सड़कों पर बुशरा उतरे। साहिबा एक जी प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनाउंस भी किया था, हम देश के सारे शहरों में जल्दी मीटिंग्स कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स, उसमें भी आप लोग देख लेंगे जनता का क्या रिस्पॉन्स है। और उसके बाद हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट प्रोटेस्ट लगने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। परमानेंट प्रोटेस्ट 543 जगह तो मिनिमम लगेंगे ही, जहां पर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठेंगे इन लोकसभा के इलेक्शन कराने वाले। तो ये काफी काफी बड़ी बात है, और ऐसा जब होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। देखना होगा कि क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार, मैं कहूँ महमूद साहब की हमारे चैनल पर भी मैंने पहले भी कहा है कि चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, लोग लगातार नीचे सिर्फ यही लिखते हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कोई मुद्दे उठाइए कुछ भी करिए, लेकिन ईवीएम से चुनाव अगर हुए तो लगातार बीजेपी ही सत्ता में आती, परिवर्तन हम देखेंगे नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपकी तबीयत नासाज थी, आप कल बिजी थे, और तमाम डर खौफ। तो
तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया, आपकी तबीयत नासाज उसके बावजूद भी आपने और तमाम तरह के चैलेंजेस को पार करते हुए इस आंदोलन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जनता का साथ आपको मिल रहा है, देखना होगा कि आंदोलन क्या मोड़ लेता है, लेकिन ये सराहनीय जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मेहमान साहब, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।